वाले कल में दलित जो हैं इस देश पर राज करेंगे। तो ये जंग अभी शुरू हुई है, ये बड़े जंग है और हम सब लोग मिलकर से जीतेंगे। जय भीम। मैं अपने चाहने वालों को और विरोधियों को बता रहा हूं कि मैं वापस आ गया हूं और जेल से नहीं डरते। पहली बार ले लो। सबसे पहले तो मैं उन सभी जो भी साथी, वो बहनें, वो भाई जो लोग 21 तारीख को दिल्ली पहुंचे थे, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनको क्रांतिकारी सलूट करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में अपनी ताकत का एहसास कराने, अपने अधिकारों के लिए आप लोग दिल्ली पहुंचे और आपने एक ऐतिहासिक जो है आंदोलन करके सबको बताया कि हम जिंदा। उसके बाद वो 96 लोग जो तिहाड़ जेल में हमारे साथ थे, 95 लोग, कठिन दौर था लेकिन एक एक क्रांतिकारी जो है लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, झुका नहीं। तो उन 95 क्रांतिकारी साथियों को भी मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने जेल काटने स्वीकार की लेकिन किसी भी डर और भय से जो है किसी के आगे घुटने नहीं टेके और आज इस पूरे समाज के, दलित समाज की पूरी ताकत के कारण वो ऐतिहासिक पल आया कि हम क्रांतिकारियों की तो रिहाई हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला बदलना पड़ा। तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को पहले गुमराह करके जो है गलत फैसला कराया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया और वो हमें ज़मीन भी दे रहे हैं लेकिन ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। देखिए इसमें आगे क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर मीडिया के माध्यम से बताऊंगा, लाइव आके बताऊंगा। बस आज तो मैं आप सब लोगों का, क्योंकि आप सब लोग देश के विभिन्न कोनों से जो हैं, दुनिया के विभिन्न कोने, देश के नहीं दुनिया के विभिन्न कोने से, तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, भीम आर्मी को बहुत प्रेम करते हैं और जो प्रयास मेरा है दलित समाज को एकजुट करने का, बहुजन समाज को एकजुट करने का, तो उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हो पा रहे हैं। तो ये प्रयास जारी रहेगा। आपसे मुताफिक होना जो है ज़रूरी था, आपसे बात करना ज़रूरी था, आपको बताना ज़रूरी था कि आपकी जो है जो प्रेम आपने दिया उसके बदौलत सरकार को झुकना पड़ा और हम सब लोगों को बेल मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो मुकदमा ही जो है वापसी लेने का जो है स्टेटमेंट दिया, ऑर्डर दिया, तो जल्द ही जो है वो ऑर्डर भी आ जाएगा और सब लोग जो हैं ये मुकदमा ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं पूरे देश से जिन लोगों ने आंदोलन किया, जिन लोगों ने संघर्ष किया हम सब लोग जेल जाने के बाद हमारी रिहाई के लिए और इस महत्वपूर्ण आंदोलन को मजबूत करने के लिए, उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। भीम आर्मी की पूरी टीम का जो है दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन सभी वकीलों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना दिन रात एक करके जो है इन युवा साथियों को बाहर निकालने में मदद की। तो मैं एक बार दोबारा उन क्रांतिकारी 95 लोगों का और वो 95 भाई जो बहुत मजबूत स्तंभ थे इस आंदोलन के और सभी लोग जो वहाँ पहुँचे थे 21 अगस्त को, उनका भी दिल की गहरा शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी वकीलों भाइयों का और भी समाज के जो बहुत चिंतक लोग हैं जो बहुत निराश हो गए थे सरकार कार्रवाई से, वो भी अपनी कमर कस लें क्योंकि अब हम तय करके आए कि अब बहुजनों को राज को लागू कराने के लिए, इस राज को लाने के लिए जो भी बलिदान देना पड़ेगा वो बलिदान दिया जाएगा। अभी वो छोटा भाई कह रहा था कि 16 महीने कुर्बान दी, 16 महीने नहीं 16 साल और ये पूरा जीवन भी, लहू का एक कतरा भी अगर बहुजन मूवमेंट में साहब काशीराम के सपने को पूरा करने के लिए, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए देना पड़ा, उससे कोई भी जो है दिक्कत नहीं आएगी, वो किया जाएगा। और मेरी दिली इच्छा है कि जो काम हमने आज तक पकड़ा है उसे पूरा किया। तो अभी एक और महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी जो है वो समाज के सहयोग से ली जाएगी और उसको भी जो है बहुत मेहनत करके सफल किया जाएगा और वो जो सपना साहब देखते हैं उसको पूरा किया जाएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। दिल के गहराइयों से जय भीम, जय भीम आर्मी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बाबा साहब के सपने को, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए, को याद रखिए और साहब के दिखाए सपने को कि बहुजन राज लाने के लिए जो है संघर्ष करें। तो साहब को एक और बार नमन करते हैं क्योंकि मेरे जेल रहते उनका परिनिर्वाण दिवस आया और एक और दिन था उस पर भी मैं चर्चा करूंगा बाद में जब मैं लाइव आऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है दलित इतिहास का। जिस दिन भगवान वाल्मीकि की जयंती होती है तो दिल्ली जेल ने वो नहीं मनाने दी गई लेकिन फिर आप लोगों के दबाव में
अर्जेंट में वो मनाने का प्रोग्राम हुआ, लेकिन उससे मैं संतुष्ट नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं मांग करूँगा और लड़ूंगा कि भगवान वाल्मीकि जी की जो है जयंती जो है वो जैसे सभी त्यौहार उसमें डाले गए हैं मैनुअल में डेट शीट के अकॉर्डिंग जो है तिहाड़ के उसमें जो शेड्यूल है उसमें उनको उसको रखा जाए और उसको विशेष त्यौहार के तौर पे जो है पूरी दुनिया में मनाया जाए। तो ये हमारा जो है बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, इसको अब दोबारा हम प्रयास करें कि इसको सरकार गवर्नमेंट रिकॉर्ड में गजटेड रिकॉर्ड में चढ़ाने का जो है हम प्रयास करेंगे। इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे, ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है और ये लड़नी पड़ेगी, हमारे मान सम्मान की लड़ाई। जय भीम आर्मी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।